हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस प्रीलिम्स लॉकडाउन सीरीज में हिस्ट्री देख रहे हैं हम लोग, और इसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा हुआ था पल्लव डायनेस्टी के बारे में, मतलब कि साउथ इंडियन डायनेस्टी हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। तो इसमें हम लोगों ने पल्लव डायनेस्टी लास्ट क्लास में देखा था। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं चालुक्य डायनेस्टी के बारे में, और देखेंगे कि आखिर में चालुक्य डायनेस्टी क्या थी, कहाँ थी, कितने ब्रांच थे, किस तरीके से इवॉल्व हुई है और अल्टीमेटली किस तरीके से इनका डिक्लाइन हुआ है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे इसके आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड भी क्या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एस्पेक्ट्स हैं, सब कुछ देखेंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस ट्रैक। बट बिफोर दैट, दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब। दीज आर प्रीलिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा देखिए, एक फुल फ्लेज्ड कोर्स ऑन आर्ट एंड कल्चर भी स्टार्ट होने वाला है, और ये 16th अगस्त से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। क्लासेस ऑब्वियसली ऑनलाइन ही होने वाली हैं, और इसमें आपको प्रीलिम्स के भी 100 क्वेश्चन, मेंस के 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, पास्ट ईयर के क्वेश्चन जो आए हुए हैं उसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, और एक आइडिया लेने की कोशिश करेंगे व्हाट ऑल इज देयर इन द आर्ट एंड कल्चर। अगर इसको सब्सक्राइब करना हो तो आप ईमेल एड्रेस पे ईमेल करके और बाकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चालुक्य डायनेस्टी के बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी काफी जरूरी है कि आखिर में जो चालुक्य डायनेस्टी है वो स्प्रेड कहाँ थी। तो देखिए, बेसिकली जो चालुक्य डायनेस्टीज है ये स्टार्ट हुई थी कर्नाटका से। इनफैक्ट कर्नाटका में उस समय कदंब डायनेस्टी थी, यहां पर जो है कदंब डायनेस्टी थी। इनफैक्ट आप लोगों को याद भी होगा, गुप्ता एम्पायर के समय कदंब के साथ में चंद्रगुप्त ने अपने रिलेशन मेंटेन किए थे, और इनफैक्ट यहाँ पर जो है अपनी कह लीजिए कि मैरिटल रिलेशंस के थ्रू रिलेशन बनाया गया था, और वही चीज ये कदंब डायनेस्टी। और इसी कदंब डायनेस्टी में इनफैक्ट सामंत यानी फ्यूड्स हुआ करते थे जो अर्ली चालुक्यास थे। फिर धीरे धीरे ये लोग अपनी खुद की एक अंपायर बना ली, और अंपायर बनाने के बाद पूरे के पूरे इस साउथ इंडियन रीजन पे इन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। हालांकि ये कब्जा एक साथ नहीं हुआ था, ये कब्जा जो है वो धीरे धीरे हुआ था, और बेसिकली वो तीन पार्ट में हमें देखने को मिलती है। वन इज द बादामी यानी वातापी, वातापी के चालुक्य हो गए। सेकंड वेव देखने को मिलती है, सेकंड ब्रांच आप बोल सकते हैं वेंगी के चालुक्य हो, और तीसरा है जो कल्याणी के चालुक्य है, और इसके बारे में आप लोगों ने कहानी जानते ही होंगे जो राष्ट्रकूटाज के डिक्लाइन के बाद फिर तैलब टू ने ये कल्याणी डायनेस्टी, मतलब कल्याणी में चालुक्य डायनेस्टी जो है वो स्टार्ट किया हुआ था। तो ये तीन ब्रांच बेसिकली हमें देखनी होती है। इन तीनों ब्रांच के बारे में हम लोग देखेंगे, और देखेंगे आखिर में तीन ब्रांच में क्यों डिवीजन हुआ। अच्छा, एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है, जितनी भी डायनेस्टीज हम लोग बात करने वाले हैं, हालांकि बहुत ज्यादा हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है हमारे सिलेबस वाइज अगर जाए, लेकिन अगेन अंडरस्टैंडिंग के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इनफैक्ट इस अंडरस्टैंडिंग के लिए हो सकता है कि आपको क्वेश्चन भी पूछ दिया जाए या नाम देकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टैलब टू ने क्या किया है, किस तरीके से डेवलपमेंट हुई है इस तरीके से। तो अगेन जो होती है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट फॉर्मेट में सारा कुछ सिलेबस के ही अंदर में है, तो आपको ऐसे जो है इसको इग्नोर या निगलेक्ट आप नहीं कर सकते, क्योंकि वन और टू क्वेश्चन अगर भी आता है तो दिस विल मेक अ डिफरेंस इन योर प्रीलिम्स एज वेल एज इन योर मेंस एग्जामिनेशन, इन योर रिजल्ट्स। तो एक एक्स्ट्रा एज लेने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर ऑल दीज डायनेस्टीज इस साउथ इंडिया के लिए, और इनफैक्ट एंशियंट इंडिया के लिए। दो और आपको वीडियो आएंगी, एक वीडियो में हम लोग बात करेंगे संगम लिटरेचर के बारे में, और इस संगम लिटरेचर के साथ ही साथ इंक्लूड कर दिया जाएगा यहां पर चेर और पांडिक्यों भी, क्योंकि काफी छोटे छोटे डिस्कशन है। और इसके साथ में एक दूसरी वीडियो आएगी जो बेसिकली चोल डायनेस्टी की ओर होगी, और ये बेसिकली इन दोनों को कवर करने के बाद एंशियंट इंडिया आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो कल एक वीडियो आ जाएगी संगम लिटरेचर पे, और उसके बाद नेक्स्ट डे आपकी चोल डायनेस्टी पे आ जाएगी, एंड बाय दिस वी विल फिनिश आवर एंशियंट इंडिया, मतलब एंशियंट की जो हिस्ट्री है। उसके बाद हम लोग मेडिवल में चले जाएंगे, और हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन जो रिलीजियस मूवमेंट वाला सेक्शन है, जहां पे बुद्धिज्म, जैनिज्म, भागवत एंड ऑल दैट, जितने भी इस्लाम, ये सारी कुछ डिस्कशन हम लोग एक सेपरेट सेक्शन में ही करेंगे, और उसको रिलीजियस मोमेंट्स के नाम से सेक्शन देख लेंगे। तो फिलहाल जो है हम लोग पहले इसको कंप्लीट करेंगे, देन हम लोग मूव कर जाएंगे जो रिलीजियस मोमेंट्स है, और फिर अल्टीमेटली हम लोग आ जाएंगे अपने मेडिवल एज में। कोशिश हमारी यही है कि 15 अगस्त तक आपका ये पूरी की पूरी हिस्ट्री
एंशियंट और मेडिवल कंप्लीट हो जाए ताकि उसके बाद से नेक्स्ट 15 डेज में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर लें। तो वन बाय वन इसी तरीके से चलते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं और कोशिश यही रहेगी कि इस बार प्रीलिम्स को शॉट डाउन किया जाए। फटाफट देखिए शुरू करते हैं चालुक्य डायनेस्टी के बारे में। चालुक्य डायनेस्टी के बारे में अगर थोड़ी सी अगर समरी देखी जाए तो दिस डायनेस्टी रूल्ड पार्ट्स ऑफ सदर्न एंड सेंट्रल इंडिया बिटवीन द 6th सेंचुरी एंड द 12th सेंचुरी। तो इनफैक्ट यहां से आप एक चीज कह सकते हैं कि सातवाहन डायनेस्टी जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गई है। सातवाहन डायनेस्टी के डिसइंटीग्रेट होने के बाद वाकाटक डायनेस्टी आती है और ये वाकाटक डायनेस्टी बेसिकली अल्टीमेटली लीड करती है चालुक्याज के राइज के लिए। तो इस तरीके से ये जो चालुक्य डायनेस्टी है वो राइज होती है आफ्टर डिक्लाइन ऑफ द वाकाटकास। यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, ओके वन थिंग इज इंपॉर्टेंट हियर, राष्ट्रकूटास भी फिर मतलब चालुक्य के बाद अल्टीमेटली फिर एक राष्ट्रकूटा डायनेस्टी भी आती है। आप लोगों को पता ही है राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल, ये तीनों जो है आपस में ट्रिपार्टाइट वॉर लड़े थे। लेकिन चालुक्य की केवल एक विंग, एक ब्रांच को केवल ये डिसइंटीग्रेट करते हैं और राष्ट्रकूट डायनेस्टी लेकर के आते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है ये फिर से डिक्लाइन होती है और वापस से चालुक्यास का राइज देखने को मिल जाता है। और ये जो राइज है बेसिकली वो कल्याणी में राइज देखने को मिलता है। दिस इज द थर्ड ब्रांच ऑफ द चालुक्यास। अभी बात करेंगे तो आपको ये पूरी क्लैरिटी आएगी, लेकिन फिलहाल इस टाइम पीरियड के बेसिस पे एक चीज आप यहां पर समझ सकते हैं कि पहले सातवाहन थे, सातवाहन के बाद फिर अल्टीमेटली वाकाटकास आए, वाकाटकास के बाद फिर चालुक्यास आए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर वर बेसिकली थ्री डिस्टिंक्ट बट रिलेटेड चालुक्य डायनेस्टी। वन इज बादामी के चालुक्य हो गए, बादामी या फिर इसी को वातापी भी बोला जाता है। दे वर द अर्ली चालुक्यास एंड देयर कैपिटल एट बादामी या फिर वातापी इन कर्नाटका। दे रूल्ड फ्रॉम 6th सेंचुरी, दे डिक्लाइंड आफ्टर द डेथ ऑफ देयर ग्रेटेस्ट किंग पुलकेशिन टू इन 642 AD। इनफैक्ट डिक्लाइन का मतलब उसके बाद से दो तीन और छोटे छोटे रूलर्स आए थे, लेकिन अल्टीमेटली जो पूरी की पूरी डायनेस्टी है वो डिक्लाइन हो गई थी। दूसरे जो चालुक्यास थे वो थे ईस्टर्न चालुक्य या फिर इन्हीं को बोलाता है वेंगी के चालुक्य, वेंगी चालुक्य। क्यों इनकी? क्योंकि कैपिटल इनकी वेंगी में थी। ये डिवीजन कैसे हुआ यह भी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप मान के चलिए कि आफ्टर द डेथ ऑफ पुलकेशिन टू इन द ईस्टर्न डेक्कन विद कैपिटल एट वेंगी, दे रूल्ड टिल द 11th सेंचुरी। जो ईस्टर्न चालुक्यास थे। लास्टली एक थर्ड विंग आती है, थर्ड ब्रांच आती है, दैट इज द वेस्टर्न चालुक्य और ये बेसिकली डिसेंडेंट्स थे बादामी चालुक्य के एंड दे इमर्ज इन द लेट 10th सेंचुरी एंड रूल्ड फ्रॉम कल्याणी जो आज की डेट में वही महाराष्ट्र में है। इनफैक्ट अगर राष्ट्रकूटास के बारे में बात किया जाए तो राष्ट्रकूट ने अपनी जो कैपिटल थी, अपनी राजधानी थी, वो बनाई थी मान्य खेत में, है ना, याद कि नहीं? तो मान्य खेत में बेसिकली बनाई थी और इस मान्य खेत से ही चालुक्यास ने ही कैपिटल जो है वो ट्रांसफर कर ली थी कल्याणी में। और इस तरीके से जो कल्याणी के चालुक्य हैं ये राइज होकर के मतलब कि उभर करके सामने निकल करके आए। आगे अगर देखा जाए कि एक्सटेंट ऑफ चालुक्यास क्या है तो ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं कि महाराष्ट्र से लेकर के कर्नाटक तक में इनकी पूरी की पूरी डायनेस्टी स्प्रेड करके रखी हुई है। इन डायनेस्टी में अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए, सपोज दिस इज चालुक्य का रीजियन, तो ये चालुक्य का रीजियन है अगर, तो यहां पर बगल में किसका है? पल्लव का रीजियन है और ऊपर कौन है? मालवा है। और मालवा में भी कौन सी डायनेस्टी है बताइए? कौन सी डायनेस्टी है? दिस इज एक्चुअली द परमार डायनेस्टी हियर। परमार डायनेस्टी याद आ रहा है? दिस इज राजा भोज, है कि नहीं? तो ये राजा भोज वाली डायनेस्टी है, परमार डायनेस्टी है। और परमार के ऊपर जो है फिर वही चंदेल वगैरह थे। यहां पर चालुक्यास के नीचे जो है वो ऑब्वियसली चेर है, पांड्य है एंड वॉट एंड दिस इज हियर चोल डायनेस्टी। बाद में पल्लव डायनेस्टी के डिसइंटीग्रेशन के बाद चोल डायनेस्टी इसको सुपर इम्पोज कर जाती है। तो ऑब्वियसली जो इनके चालुक्य के वॉर होंगे किसके किसके साथ हो सकते हैं? एक हो सकता है जो चेर के साथ होगा, दूसरा हो सकता है जो चोल के साथ होगा, तीसरा होगा जो पांड्य के साथ मतलब कि पल्लव के साथ होगा, ऑब्वियसली पांड्य के साथ भी होगा, मालवा के परमार के साथ भी होगा। तो ये वो कुछ डायनेस्टीज है जहां पर अल्टीमेटली वॉर देखने को मिलेगी। तो हम लोग ऑलरेडी परमार के बारे में पढ़ चुके हैं तो आपको अगेन कनेक्ट करने में आसानी होगी। पल्लव के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं तो यहां पर भी आपको कनेक्ट करने में आसानी होगी। चोल के बारे में आप लोगों ने नहीं पढ़ा है लेकिन चोल पढ़ लेंगे हम लोग आगे,
तो इनफैक्ट चालुक्यास के थ्रू आप चोल डायनेस्टी को कनेक्ट कर पाएंगे, तो ये काफी अच्छा आपके लिए कनेक्शन हो जाएगा। चेर और पांडे देखिए कुछ खास ये डायनेस्टी है भी नहीं, इनफैक्ट इन द बुक्स ऑल्सो यू विल नॉट गेट दीज चैप्टर्स, बट स्टिल वी विल डिस्कस बिकॉज देर आर सम बुलेट पॉइंट्स, सम फैक्ट्स विच इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। तो एक्सटेंट के बारे में अगर बात किया जाए तो चालुक्य डायनेस्टी रीच्ड एट इट्स पीक ड्यूरिंग द रीन ऑफ पुलकेशिन टू। पुलकेशिन टू हालांकि बहुत बाद में आते हैं, देखेंगे आखिर में क्या चीज हुआ है। हिज ग्रैंडफादर पुलकेशिन वन हैड क्रिएटेड एम्पायर अराउंड वातापी, और इस तरीके से वातापी में पहली बार चालुक्याज निकल करके सामने आए थे। पुलकेशिन टू सब्जुगेटेड द कदंब, तो जो कदंब है बेसिकली ये कदंब डायनेस्टी जो है वो कर्नाटक वाली ही डायनेस्टी है, मैसूर में गंग डायनेस्टी है, एंड द मौर्याज ऑफ नॉर्थ कोंकण एंड लताज ऑफ गुजरात एंड मालवाज एंड गुर्जर। ये तो खैर आप लोगों को पता है मालवा में परमार्स हैं, गुर्जर तो आपको पता ही है। He also succeeded in getting submission from the Cholcher Pandya. तो इस तरीके से Cholcher Pandya की भी dynasties को इन्होंने, या कह लीजिए इनके जो areas हैं उनको भी इन्होंने capture करके रखा हुआ था। He also had defeated King Harsh of Kannauj and Pallav King Mahendra Varman. तो अगेन जो होता है, this is very important, और Harsh of Kannauj जो हर्षवर्धन था उसको भी defeat किया था इन्होंने, हराया था, साथ ही साथ Pallav King महेंद्र वर्मन को भी हराया था। तो इनकी कहानी को हम लोग देखेंगे और हम लोग अपने जो पुराने डिस्कशंस हुए हैं उनको भी कनेक्ट करेंगे, जिससे कि ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जरा देख लेते हैं पहले डायनेस्टी के बारे में। तो डायनेस्टी को अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए सबसे पहले अर्ली जो हमें इंस्क्रिप्शंस या फिर हमें जो भी सोर्सेज मिलते हैं उसमें पुलकेशिन वन के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुलकेशिन वन ही केवल रहते हैं, इससे पहले भी हमारे पास कुछ कह लीजिए सोर्सेज है, और ये सोर्स का नाम है महाकूट इंस्क्रिप्शन। इस महाकूट इंस्क्रिप्शन से हमें दो और लोगों के बारे में जानकारी मिलती है, वन इज द जय सिंह एंड सेकेंड वन इज द रण सिंह। तो ये जो जय सिंह और रण सिंह है इन दोनों का भी हमें जानकारी मिलती है महाकूट इंस्क्रिप्शन, महाकूट अभिलेख से, और यहां से हम लोग ये जानकारी ले सकते हैं कि पुलकेशिन वन से पहले भी कुछ अदर रूलर्स भी थे। हालांकि ये जो रूलर्स हैं ये इंडिपेंडेंट चालुक्य डायनेस्टी को रूल नहीं करते थे, बल्कि ये जो कदंब डायनेस्टी है या फिर कह लीजिए जो कर्नाटक की एम्पायर है उसमें ये लोग फ्यूड्स बन के थे। तो ये उस समय के फ्यूडल सिस्टम में ये लोग बने हुए थे। पुलकेशिन टू के बाद फिर इसके दो लड़के होते हैं, वन इज द कीर्ति वर्मन वन और दूसरा होता है जिसका नाम रहता है मंगलेश। ऑब्वियसली जो बड़ा रहेगा वही आगे राजा बनेगा, तो कीर्तिवर्मन जो है वो राजा बनता है। कीर्तिवर्मन बड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है और अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करता है, आसपास के जितने भी लोग हैं जैसे चोल, चेर, पांड्य या फिर परमार, तो सबके साथ में वॉर लड़ करके अल्टीमेटली ये अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करता है। इसके बेसिकली तीन बच्चे होते हैं लेकिन दो ही इंपॉर्टेंट है, वन इज द पुलकेशिन टू एंड सेकेंड इज विष्णुवर्धन। लेकिन होता क्या है कि जब पुलकेशिन कीर्तिवर्मन वन की डेथ होती है तो इनके दोनों बच्चे माइनर रहते हैं, माइनर होने के कारण से इनको राजा नहीं बनाया जाता है, और इस कारण से अब इनका जो भाई है कीर्तिवर्मन का जो भाई रहता है मंगलेश वो राजा बनता है। मंगलेश अगेन काफी इंपॉर्टेंट और काफी स्ट्रॉन्ग रूलर रहता है, ये अगेन अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करता है और रेवती आइलैंड दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट टाइम गोवा, गोवा को ये कैप्चर कर लेता है और इस तरीके से अपनी टेरिटरी को साउथ इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग टेरिटरी के रूप में सामने ये निकल करके लेकर के आते हैं। इसके बाद से होता क्या है कि जब ये पुलकेशिन टू माइनर से अब ये एडल्ट होता है तो फिर अगेन मंगलेश के साथ में इसका कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है आखिर में कि हमें राजा अब बन जाना चाहिए। मंगलेश के साथ में जब पुलकेशिन की इंटरनल वॉर हो रही होती है तो इसके जो एम्पायर है वहां पर अनस्टेबिलिटी आ जाती है। इस अनस्टेबिलिटी के कारण से अगेन जो आसपास के छोटे छोटे राज्य थे या छोटे छोटे एरियाज थे वो अगेन अपने आप को इंडिपेंडेंट अनाउंस करना शुरू करते हैं। पुलकेशिन टू जब देखता है कि भाई देखिए इस तरीके से बड़ा गड़बड़ हो रहा है तो वो क्या करता है कि अपने चाचा को यानी मंगलेश को मार देता है, मर्डर कर देता है और खुद को फिर रूलर बना लेता है और इस तरीके से पुलकेशिन टू राजा बन जाता है। अब देखिए पुलकेशिन का भी भाई है विष्णुवर्धन, उसके भी अपने जो है एम्बिशंस होंगे, उसको भी राज करने का मन करेगा। तो पुलकेशिन क्या करता है कि भाई देखो आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम एक काम करो
तुम ईस्टर्न साइड में चले जाओ और वहां पर तुम अपना राज्यपाट करो और हम वेस्टर्न साइड में रहेंगे, हम वेस्टर्न में अपना जो भी रूल करना है वो रूल करेंगे। और इस तरीके से विष्णुवर्धन को भेज दिया जाता है ईस्टर्न साइड में और यहां से एक नई चालुक्य डायनेस्टी स्टार्ट होती है, दैट इज द वेंगी चालुक्य। अब समझ में आ गया वेंगी कैसे स्टार्ट होती है, दिस इज हाउ द न्यू डायनेस्टी केम इनटू एग्जिस्टेंस और आगे फिर ये बढ़ते आता है विष्णुवर्धन की डायनेस्टी। फिर आगे जो है जाते इनके जो बच्चे होते हैं फिर वो शादी कर लेते हैं, शादी करते हैं तो चोल डायनेस्टी की राजकुमारी, चोल डायनेस्टी की जो प्रिंसेस रहती है उनके साथ में शादी हो जाती है। फिर क्या होगा, ऑब्वियसली चोल डायनेस्टी की एक शादी, उनके जो बच्चे हुए तो चोल के साथ में इनका बड़ा अच्छा रिलेशन होता था, लेकिन आगे हम लोग बात करेंगे चोल के साथ में अगेन एक डिस्टर्बेंस हुआ था जब इधर साइड के मतलब कि ये जो पुलकेशिन वाली जो डायनेस्टी है और जब ये कल्याणी पर अपना कैप्चर करती है तो आखिर में इन दोनों के बीच में फिर कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। तो अगेन जो होती है यहां पर एक बड़ी मुश्किल आने वाली है, पुलकेशिन टू जो रहता है वो अगेन इसके कंपटीटर पल्लव बन जाते हैं, पल्लवों के साथ में ये वॉर लड़ता है, महेंद्र वर्मन के साथ वॉर लड़ता है, महेंद्र वर्मन को ये हरा देता है। महेंद्र वर्मन याद है कल हम लोग बात किए थे, महेंद्र वर्मन के बाद पल्लव डायनेस्टी का जो अगला रूलर आता है महेंद्र वर्मन का लड़का नरसिंह वर्मन, पुलकेशिन को 3 बार हराया था। क्या ट्रिक बताया था मैंने उसके लिए, शूरमार परमार, यानी शूरमार की वॉर होती है, परियाल की वॉर होती है और मणिमंगलम की वॉर होती है। 3 बार पुलकेशिन को हराने के बाद पुलकेशिन की डेथ हो जाती है, मर्डर हो जाता है। और पुलकेशिन के बाद फिर जो नेक्स्ट रूलर बनता है उसका नाम रहता है विक्रमादित्य। अब देखिए विक्रमादित्य अब अपने पिताजी का बदला लेगा कि भाई तुम हमारे पिताजी को मारे थे अब हम तुमको मारेंगे। तो उस समय नरसिंह वर्मन के बाद जो दूसरा कह लीजिए कि राजा होता है महेंद्र वर्मन टू वो आ जाता है और यही है वो महेंद्र वर्मन जो 2 साल केवल और केवल राज किया था। विक्रमादित्य जाता है महेंद्र वर्मन का काम समाप्त करके फिर निकल लेता है। महेंद्र वर्मन के बाद फिर वहां पर परमार वर्मन बनते हैं, परमेश्वर वर्मन बनते हैं। परमेश्वर वर्मन फिर अल्टीमेटली अगेन ये जो कंपटीशन की भावना है पल्लव और चालुक्य में वो लगातार चलती रहती है, कभी एक दूसरे को कोई दूसरा हराता है और फिर जो है अल्टीमेटली उसका कह लीजिए कि आपस में जो है दोनों एक दूसरे का निपटारा कर लेते हैं। विक्रमादित्य के बाद फिर अगला राजा बनता है विनयादित्य और विनयादित्य के बाद फिर आ जाता है विजयादित्य। अगेन जो है इनके साथ में पल्लवों की जो कंपटीशन है, पल्लवों के साथ में जो संघर्ष है वो चलते रह रहा है, राइवलरी जो है वो चलती रह रही है। फिर अल्टीमेटली विक्रमादित्य आते हैं राजा और यहां से इसका जो एम्पायर है वो वीक पड़ जाता है। वीक पड़ने के साथ साथ जो लास्ट रूलर होते हैं कीर्ति वर्मन कुछ ज्यादा ही वीक हो जाते हैं और इसकी वीकनेस को देखने के बाद इसी के राज्य में राष्ट्रकूट डायनेस्टी के जो फ्यूड रहते हैं, क्या नाम रहता है उनका, दंती दुर्ग। दंती दुर्ग इस कीर्ति वर्मन की मर्डर कर देते हैं, हत्या कर देते हैं और अल्टीमेटली राष्ट्रकूट डायनेस्टी फॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से ये जो डायनेस्टी है जो वातापी या बादामी यानी कर्नाटक में डेवलप हुई थी, फ्लरिश हुई थी और आगे कह लीजिए कि डिक्लाइन हुई, यहीं से फिर राष्ट्रकूट डायनेस्टी आगे निकल करके आती है। इस राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने काफी डिटेल्ड में बातें कर रखी हैं, आप लोगों को याद भी होगा, नहीं याद है तो उसको रिवीजन कर लीजिए, रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है एंड द स्लाइड्स आर मोर देन सफिशियंट फॉर रिवीजन। आपको कोई अदर बुक आपको देखने की जरूरत नहीं होगी, अगर कोई बुक की जरूरत होगी तो ऑब्वियसली आई विल रिकमेंड यू कि हाँ चले आइए उसको देख लीजिए, ये चीजें हैं। आगे अगर बात किया जाए तो अब जरा इन पूरे डिस्कशन को जरा समराइज कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आखिर में क्या कुछ हम लोगों ने डिस्कशन किया है। तो जो जयसिंह है वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द चालुक्य और अगेन इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया ही कि महाकूट इंस्क्रिप्शन से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। इस जयसिंह के बाद फिर अल्टीमेटली पुलकेशिन वन राजा बनते हैं और ये बेसिकली फाउंडेड द एम्पायर विद अ कैपिटल एट वातापी, ही परफॉर्म अश्वमेध यज्ञ एज वेल एज वाजपेय यज्ञ। तो ये बेसिकली 2 sacrifice 2 यज्ञ करवाए रहते हैं। इसके बाद से कीर्ति वर्मन वन राजा बनता है और ये पुलकेशिन वन का लड़का रहता है एंड ही कॉन्कर्ड कोंकण एंड नदन केरला, तो अपनी टेरिटरी को ये एक्सपैंड कर रहा है एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इसका भाई रहता है मंगलेश जो इसके बच्चे माइनर होने के कारण से राजा बन जाता है मंगलेश एंड इस कारण से ये आसपास के जो राजा हैं जैसे कदंब हो गए जहां पर ये बेसिकली खुद ही निकल करके आए थे और साथ ही साथ में जो गंग वंश है यानी गंग डायनेस्टी उसको भी इन दोनों को हरा देता है और कैप्चर कर लेता है। And he was killed by his nephew and son of Kirtivarman Pulkeshin II,
पुलकेशिन टू इसकी हत्या कर देता है, क्योंकि अगेन जानकारी आपको है ही कि आपस में इन दोनों के बीच में सिविल वॉर हो गया था और आसपास के जो लोग थे, आसपास की जो टेरिटरीज थी वो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर दी थी। अब जरा पुलकेशिन टू के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द चालुक्या किंग एंड एक्सटेंडेड द चालुक्या रूल टू द मोस्ट पार्ट ऑफ द डेक्कन। इनफैक्ट आप लोगों को याद होगा कि जो पुष्यभूति डायनेस्टी है यानी वर्धन डायनेस्टी और इसमें जो राजा रहते हैं हर्षवर्धन, वो एक बार साउथ इंडिया की तरफ घूम करके आते हैं और साउथ इंडिया में जब आते हैं तो पुलकेशिन टू के साथ, इसी के साथ में वॉर होती है और अल्टीमेटली जो हर्षवर्धन है वो हार जाते हैं और फिर अपना निकल लेते हैं। और इन्हीं के टाइम पे कौन आया रहता है? ह्वेन सांग। ठीक है, तो ये बेसिकली जो होती है यहां पर इनकी वॉर होती है, पुलकेशिन के साथ वॉर होती है। जो नेक्स्ट वॉर होती है वो पल्लव के साथ होती है और जो पल्लव के साथ में वॉर होती है वो होती है महेंद्र वर्मन के टाइम पे। महेंद्र वर्मन को हरा दिया जाता है लेकिन उसके बाद फिर उसका जो लड़का नरसिम्ह वर्मन होता है वो पुलकेशिन को 3 बार हराता है और इस कारण से जो ह्वेन सांग है वो चला जाता है देखने की भाई कैसे तुम हराए थे, हम तो देखे थे हर्षवर्धन जो है वो हार गया था। तो चले जाते हैं ये पल्लव डायनेस्टी, पल्लव एम्पायर में नरसिम्ह वर्मन के टाइम पे और उसके बाद से फिर वापस आते हैं पुलकेशिन के भी राज्य में, पुलकेशिन को देखने की आखिर में क्या गलतियां इन्होंने कर दी। तो इस तरीके से जो ह्वेन सांग है हर्षवर्धन के काल में भी, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में भी था, इनके एम्पायर में गया था, पल्लव के टाइम पीरियड में पल्लव के भी एम्पायर में गया था और साथ ही साथ में चालुक्य के भी एम्पायर में गया था, पुलकेशिन टू के ही टाइम पीरियड में आया था। क्लियर हो गया ह्वेन सांग की कहानी क्या है। ये जो चाइनीज रूलर्स या फिर कह लीजिए जितने भी फिलोसफर्स हैं या कह लीजिए ट्रेवलर्स हैं जो इंडिया में आए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके प्लेन्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि अगेन जो होता है ये लोग आते हैं और इनसे पूछ लिया जाता है कि आखिर में ये किसके टाइम पीरियड में, किसके एम्पायर में आए थे। ये होता है प्लेन्स का क्वेश्चन। मेंस के क्वेश्चन ये बनते हैं कि अगर ह्वेन सांग आ रहा है, फायान आ रहा है, तो आखिर में उसने अपने राइटिंग्स में, अपनी बुक्स में क्या लिखा है अबाउट द एम्पायर, ये मेंस के क्वेश्चन में पूछा जाता। तो अगेन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको मेंस के लिए कैसे करना है, अगेन आर्ट एंड कल्चर का कोर्स लॉन्च है, उसको आप सब्सक्राइब करके वहां पर भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं कि किस तरीके से हाउ टू हैंडल द मेंस क्वेश्चंस एंड किस तरीके से आगे हमें जो होती है आर्ट एंड कल्चर के बारे में लिखना होता है। बिकॉज इन द क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाएगा कि आपके पास 20-30 वर्ड्स ही केवल होते हैं, इनफैक्ट यू विल रिमेंबर ओनली द 1 or 2 लाइंस टू राइट हियर एज अ फॉर्म ऑफ आंसर, लेकिन अगेन उस 20-30 वर्ड को कैसे 150, 160, 170 वर्ड बनाना है, ये एक आर्ट होती है एंड यू हैव टू लर्न दैट आर्ट इन द आर्ट एंड कल्चर। तो काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके जो बचपन का नाम था वो एराया था। इंफॉर्मेशन अबाउट हिम इज ऑब्टेन फ्रॉम एहोल इंस्क्रिप्शन। एहोल इंस्क्रिप्शन से हमें पुलकेशिन टू के बारे में जानकारी मिलती है और इनफैक्ट रविकीर्ति ने यहाँ पर पोएटिक इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं। रविकीर्ति जो है वो एक कह लीजिए कि राइटर रहते हैं, पोएट रहते हैं इन द संस्कृत लैंग्वेज यूजिंग द कन्नड़ स्क्रिप्ट। तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्या चीज है ये। ह्वेन सांग विजिटेड हिज किंगडम एंड ही प्रेज्ड पुलकेशिन टू एज अ गुड एंड अथॉरिटेटिव किंग। दो अ हिंदू ही वाज टॉलरेंट ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इनफैक्ट आप लोगों को पता होगा कि बुद्धिज्म और जैनिज्म अब अपने डिक्लाइन पे आ गया था, बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है वो फ्लरिश नहीं कर पा रहा था, जबकि वही ब्राह्मणिज्म ये सब अपने पीक पर था। ही कॉन्कर्ड ऑलमोस्ट एंटायर साउथ एंड सेंट्रल इंडिया। ही इज अ फेमस फॉर स्टॉपिंग नदन किंग हर्षवर्धन, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जो कि साउथ इंडिया के टेरिटरी को कॉन्कर करने पे आ गया था। हर्षवर्धन के पास भी एक्चुअली अगर देखेंगे तो देखिए पावर जो होती है वो बहुत गड़बड़ चीज होती है। इनफैक्ट अगर आपको पावर दे दी जाएगी तो आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपके अंदर एक लालच आ जाएगी, एक जो है एटीट्यूड आ जाएगा और वो एटीट्यूड बहुत बुरा होता है। इनफैक्ट इन हर्षवर्धन में भी अगर बात किया जाए, इन्होंने गुजरात के मैत्रेय डायनेस्टी के साथ भी जो कह लीजिए कि मैरिटल रिलेशंस बना करके एक स्ट्रांग बॉन्डिंग कर ली थी। सेंट्रल इंडिया में जितने भी लोग थे उनके साथ में वॉर हो गई थी तो अल्टीमेटली ये जीत गया था, चाहे वो मालवा हो, चाहे वो आपके जो बुंदेलखंड हो, सारे रीजन को इन्होंने जीत लिया था। असम के साथ में इनकी फ्रेंडशिप हो गई थी, जो वहां का राजा था उसके साथ में फ्रेंडशिप हो गई थी। बंगाल के गौड़ को इन्होंने हरा ही दिया था। तो अल्टीमेटली जो नॉर्थ का पार्ट था वो हर्षवर्धन अपने कंट्रोल में ले लिया था। तो अब ये लगा था कि चलो हम भी चंद्रगुप्त मौर्य या फिर हम लोग भी अशोक बनते हैं, तो साउथ में चले जाते हैं, लेकिन साउथ में पुलकेशिन टू जो है इनको हरा देता है। तो इस तरीके से यहां पर सीन होती है। He had defeated the Pallav king महेंद्र वर्मन, लेकिन फिर वापस से महेंद्र वर्मन का जो लड़का नरसिम्ह वर्मन रहता है वो इनको आकर के मार देता है। 3 बार वार होती है और तीनों बार में ये हार जाते हैं, मर जाते हैं।
फॉर द नेक्स्ट 13 ईयर बादामी जो है वो रिमेन्ड अंडर पल्लव कंट्रोल, क्योंकि 13 साल जो थे वो पल्लव कंट्रोल में आ गए थे, कांची वाला जो एरिया था कैप्चर कर लिया गया था, और इस कारण से अगेन यहां पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बन गई थी। लेकिन उसके बाद फिर नेक्स्ट रूलर्स आते हैं पुलकेशिन टू के बाद की, और इस तरीके से जो है यहां पर कह लीजिए कि जो खोई हुई सत्ता थी, खोई हुई जो पावर थी, वापस से रीगेन की गई थी। पुलकेशिन टू रिसीव्ड अ पर्शियन मिशन हैज डिपेक्टेड इन अजंता केव पेंटिंग, ही मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द किंग ऑफ पर्शियन खुसरो टू। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नाम याद रखना, बट अगेन जो होती है कुछ चीजें आपको याद रखनी ही पड़ेगी। हिस्टक सॉ लैप्स इन चालुक्य पावर, इनफैक्ट यही से डिक्लाइन हो गया था। हालांकि इसके बाद से ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा शासन खत्म हो गया, लेकिन फिर भी जो है एक ब्रेक जरूर लग गया था, डिक्लाइन जरूर स्टार्ट हो गया था। सेम वही केस हुआ था जब मुगल एम्पायर में, जब हम लोग बात करेंगे मिडिवल में, तो वहां पर भी सेम कहानी यही हुई थी कि एक पॉइंट के बाद जो एम्पायर है वो फिर डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है, और ये होता है इसके पीछे रीजन यही है नेपोटिज्म, जो आज की डेट में नेपोटिज्म की वॉर चल रही है, वही सेम चीज यहां पर भी है। अगर टैलेंटेड बंदे को अगर आप आगे लेकर के आएंगे तो ऑब्वियसली जो डायनेस्टी वो कभी भी फॉल डाउन नहीं करेगी, बट अगर राजा का बेटा ही राजा बनेगा तो ऑब्वियसली जो होती है वहां पर एक प्रॉब्लम जरूर आ जाती है। बिकॉज जरूरी थोड़ी ना है कि हर एक राजा टैलेंटेड ही हो, कहीं ना कहीं तो टैलेंट खत्म होगा, तो इस वजह से जो होती है दूसरे को कह लीजिए कि मौका देना काफी इंपॉर्टेंट होता है। आगे अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट जो राजा बनते हैं वो विक्रमादित्य होते हैं। विक्रमादित्य वॉज द सन ऑफ पुलकेशिन टू हु प्लंडर्ड कांची एंड विद द कैपिटल ऑफ द दैट वॉज द कैपिटल ऑफ पल्लव, तो पल्लव के एरिया को वापस से जो पावर चली गई थी उसको रीगेन किया गया। उसके बाद से लास्टली आ जाते हैं, हालांकि बीच में विनयादित्य विक्रमादित्य टू भी बनते हैं, लेकिन अगेन जो होता है उसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, तो उसको हम लोग स्किप करके आगे बढ़ते हैं, और विक्रमादित्य टू एंड लास्टली कीर्तिवर्मन टू बन जाते हैं। कीर्तिवर्मन टू जो रहता है वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ विक्रमादित्य वन रहता है, और ये लास्ट रूलर रहता है, और यहाँ पर दंती दुर्ग जो राष्ट्रकूट किंग है वो हरा देता है इसको, और इस तरीके से ये जो डायनेस्टी है वो कुछ समय के लिए डिसइंटीग्रेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, यहीं पर इनका समाप्ति हो जाता है। फिर इसके बाद से राष्ट्रकूट डायनेस्टी, राष्ट्रकूट किंग जो है वो आगे फ्लरिश होते हैं, दंती दुर्ग आते हैं और कृष्णा एंड ऑल दैट बाकी सब आते हैं, लेकिन लास्टली इनकी भी अंत हो जाती है, क्योंकि इनका जो वीक रूलर रहता है कर्क टू उसको अल्टीमेटली तैलप टू मार देता है, और अल्टीमेटली अपनी जो चालुक्य की डायनेस्टी है कल्याणी में वापस से रीस्टैब्लिश करता है, और इस तरीके से यहां पर जो है वो सीन हो जाता है। तो ये बेसिकली तैलप टू के बारे में है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये नेक्स्ट डायनेस्टी है जो कल्याणी में स्टार्ट हुई थी। अच्छा, एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग यहीं पर डिस्कस कर लेंगे, चलिए, क्योंकि यहां पर देखिए वेंगी वाले जो चालुक्य है उनके बारे में ज्यादा कुछ खास डिस्कशन हम लोगों ने किया नहीं है, और उनका एक्चुअली जो रिलेशन है वो चोल डायनेस्टी के साथ है, तो हम लोग चोल में उनके बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ाई करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर यहीं पर देख लेते हैं तो तैलप डायनेस्टी जो है, मतलब तैलप टू जो है वो स्टार्ट किया था, मतलब आया था। हालांकि तैलप से पहले के कुछ और भी लोग थे, जैसे तैलप हो गए, या फिर इनके पहले अय्यर हो गए, कृष्ण थ्री हो गए, विक्रमादित्य फोर हो गए, ये सब एक्चुअली तैलप टू के पहले थे, और ये लोग फ्यूड्स थे, सामंत थे, और किसके अंडर में रहेंगे, दिस इज क्वाइट ऑब्वियस, यू कैन गेस दैट, ये एक्चुअली जो है राष्ट्रकूट डायनेस्टी के ही सामंत थे, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के ही फ्यूड्स थे, और उसी में तैलप टू भी रहता है। लेकिन तैलप टू देखता है कि भाई जो एम्पायर है, जो किंग है, वो वीक है, और वो अटैक करके अल्टीमेटली कर्क टू को मार देता है, और अल्टीमेटली इस तरीके से कल्याणी के चालुक्य डायनेस्टी को रीस्टैब्लिश करता है। तो जो खोई हुई पावर थी वापस से रीगेन कर ली जाती है, लेकिन अगेन जो होती है बीच में एक ब्रेक आ जाता है, इस सेंचुरी ऑफ द ब्रेक आ जाती है। तो इस तरीके से तैलप टू है वो अपना शासन स्टार्ट करता है, और अल्टीमेटली जो है अपना किसी तरीके से कल्याणी में और कल्याणी के आसपास के एरिया को जीतता है। तैलप टू का जो वॉर है वो परमार डायनेस्टी के मुंज के साथ होता है। वाचस्पति मुंज के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, आई गेस वन और टू वीडियोस बैक, वहां पे हम लोगों ने देखा था वाचस्पति मुंज और उसके बाद उसका जो भाई रहता है, तो बहुत सारी चीजें वहां पर डिस्कस किए हुए थे हम लोग। आई गेस आप लोगों को चीजें याद होंगी। अगेन मैं कहूंगा रिविजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पढ़ लेंगे आप लोग भूल जाएंगे, बट रिविजन ही कह लीजिए लास्ट माइल होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो टैलप टू का वॉर होता है परमार के साथ में, क्योंकि ये अपनी टेरिटरी एक्सपैंड करने पे लगा है, और नेबरहुड में मालवा पड़ रहा है, और मालवा के साथ में बट ऑब्वियस है कि वॉर होना ही होना है। तैलप टू के बाद जो नेक्स्ट राजा बनता है उसका नाम रहता है सत्यश्रय। सत्यश्रय जो होता है ये तैलप टू का बेटा रहता है।
अगेन ये भी अपने फादर के टाइप ही जो होता है, एक बड़ा वॉरियर होता है। या आसपास की जो डायनेस्टीज है जैसे कि गुर्जर, जो गुर्जर किंग है चामुंडा राज, उसको हराया रहता है। कोंकण के एक शिलाहार डायनेस्टी के लोग रहते हैं, उनको भी हराया रहता है। और साथ ही साथ में लेकिन चोल डायनेस्टी जो रहती है उनसे ये हार जाता है। जैसे यहां पर क्या है कि इस डायनेस्टी में सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ स्ट्रांग है, लेकिन यहां पर एक ही प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है जो यहां पर कह लीजिए चोल डायनेस्टी है वो इनको हरा देती है बार बार। तो अगेन जो होती है यहां पर ये सिस्टम हो जाता है। तो जो सत्याश्रय रहता है ये चोल से तो हार जाता है, लेकिन अल्टीमेटली जो है वेंगी को अटैक करके, जो वेंगी में चालुक्यास है उसको अटैक करके अपने कब्जे में ले लेता है। हालांकि बाद में फिर से ये वेंगी जो होता है इनके हाथ से निकल जाता है, लेकिन फिर भी कुछ समय तक ये अपने पास रखे रहते हैं। इसके बाद से इनका भाई रहता है दशवर्मा। ये जो दशवर्मा है इसका लड़का रहता है विक्रमादित्य 5। सत्याश्रय के बाद विक्रमादित्य 5 राजा बनता है, क्योंकि सत्याश्रय का कोई भी बेटा, कोई भी पुत्र नहीं होता है, और इस कारण से इनका जो कह लीजिए कि नेफ्यू है वो विक्रमादित्य 5 वो राजा बनता है। विक्रमादित्य 5 ये उतना ज्यादा कह लीजिए कि उतना स्ट्रांग तो नहीं है, बट स्टिल जो है वो वॉरियर तो रहता ही है, इसलिए इनमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं होती है। यहां से फिर इनका जो नेक्स्ट राजा, इनका जो नेक्स्ट भाई है वो जयसिंह 2 ये राजा बनता है। और ये बेसिकली जो परमार के ही राजा भोज है उन पर अटैक कर देता है, लेकिन जयसिंह जो है वो हार जाता है। हार जाता है तो जो टेरिटरी है वो राजा भोज जो है वो कैप्चर कर लेता है, लेकिन जयसिंह वापस से अपनी पावर को रीगेन करता है। और रीगेन करने के बाद अल्टीमेटली फिर इनको राजा भोज, जो किंग भोज रहते हैं मालवा परमार के, वो जो टेरिटरी एनेक्स किए रहते हैं वापस से उनको रीगेन कर लेता है। तो यहां पर एक तरीके से कह लीजिए प्लस माइनस होकर के अल्टीमेटली बैलेंस हो जाता है। लेकिन जयसिंह कहीं ना कहीं राजा भोज को एक डर जरूर दे दिया था कि अगेन कि अगर हमारे टेरिटरी पे आप अगर कैप्चर करेंगे तो आई विल फाइट बैक अगेन एंड रीगेन द टेरिटरी अगेन। तो इस तरीके से जयसिंह जो है अपनी स्ट्रांगनेस, अपनी वॉरियरनेस, अपनी जो कह लीजिए कि अपनी जो पावर है वो शो किया था। तो अगेन जो होती है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद से कहानी होती है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहां पर हम लोग बात करने हैं चोल डायनेस्टी के बारे में, थोड़ी सी बात करेंगे तो जरा देखते हैं आखिर में क्या कुछ है यहां पर। यहां पर देखिए सीन ये है कि जयसिंह 2, अब जयसिंह 2 से पहले हम लोग चला जाते हैं वेंगी के चालुक्य पे। वेंगी का जो चालुक्य होते हैं यहां पर जो विष्णुवर्धन के अंडर में था, बात किए ना अभी हम लोग, विष्णुवर्धन पुलकेशिन 2 जो रहता है वो इनको वेंगी दे देता है और कहता है कि जाओ भाई तुम अपना वहां पर अपना अंपायर संभालो, हम अपना इधर संभालेंगे। इसी विष्णुवर्धन के आगे जब आगे बढ़ता है तो इनकी जो बाकी के लोग रहते हैं, इनके डायनेस्टी के जो लोग रहते हैं उसमें एक कह लीजिए कि उसमें एक शासक रहता है, उसमें एक रूलर रहता है जिसकी शादी, दो शादी हुई रहती है। एक जो शादी हुई रहती है वो चोल डायनेस्टी के जो राजा राजेंद्र चोल 1 है उनकी बहन के साथ हुई रहती है। और इस यहां पर जो उनका नाम रहता है कुंदवै देवी, हालांकि इसके बारे में हम लोग और डिटेल चर्चा करेंगे जब हम लोग चोल के बारे में पढ़ेंगे, तो कुंदवै देवी के साथ में इनकी शादी हुई रहती है। और अल्टीमेटली यहां से जो राजा मतलब इनका जो सन रहता है वो रहता है राजा राजवन, दिस इज राजा राजवन। लेकिन इसके साथ में एक दूसरी भी शादी हुई रहती है इन्हीं रूलर की, और इनके जो दूसरे वाले लड़के रहते हैं उनका नाम रहता है विष्णुवर्धन विक्रमादित्य 7, दिस इज विष्णुवर्धन विक्रमादित्य 7। अब दोनों के बीच में पावर को लेकर के वॉर होती है, दोनों को लेकर के कंपटीशन होता है कि भाई किसको राजा बनाना है। तो जो चालुक्य लोग हैं ऑब्वियसली वो लोग चालुक्य डायनेस्टी वाले को ही फोकस करेंगे, विष्णुवर्धन विक्रमादित्य 7 को, लेकिन चोल डायनेस्टी वाले इनको ज्यादा फेवर दे रहे थे कि भाई राजा राजवन बने क्योंकि हमारा खून है भाई, हमारा कह लीजिए कि जो होता है हमारे सिस्टर की है या जिसकी भी है, तो इस तरीके से जो है राजा राज को फोकस कर रहे थे। तो इन दोनों के बीच में जब आपस में वॉर होती है, आपस में कह लीजिए कि सिविल वॉर टाइप की चीज ही होती है, तो जयसिंह क्या करता है सपोर्ट देता है विष्णुवर्धन विक्रमादित्य 7 को। इसको देखते हुए होता क्या है कि राजा राजवन को सपोर्ट दे दिया जाता है चोल के द्वारा, यहां पर शासक रहता है इसका राजन चोल, राजेंद्र चोल 1, राजेंद्र चोल 1 जो रहता है काफी स्ट्रांग रूलर रहता है। और अल्टीमेटली यहां पर इन दोनों के बीच में जब वॉर होती है तो राजा राजवन ये राजा बना दिया जाता है। विष्णुवर्धन की हार हो जाती है, विष्णुवर्धन को फिर प्रिजन में भेज दिया जाता है, जेल कर दिया जाता है। जयसिंह 2 भी साहब हार जाते हैं और फिर अपना निकल लेते हैं।
तो इस तरीके से जो चोल डायनेस्टी है उसकी साउथ इंडिया में एक डोमिनेंस स्थापित हो जाती है, एस्टैब्लिशमेंट हो जाती है। तो इस तरीके से जो चोल है वो राइज हो गए थे। इनफैक्ट राजेंद्र चोल के बारे में हम लोग बात करेंगे, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर था उस समय का। इनफैक्ट जितने भी वॉर होती थी उसमें राजेंद्र चोल ही जीतता था। तो कहीं ना कहीं से ये अपनी डायनेस्टी को आगे बढ़ा रहा था, चाहे वो चालुक्य में हो, चाहे चोल में हो, चाहे जहां पर भी हो। तो इस तरीके से वापस से जयसिंह आ जाते हैं। जयसिंह के बाद फिर सोमेश्वर वन बनते हैं राजा, और जो सोमेश्वर वन रहते हैं ये अपनी राजधानी कल्याणी से वापस से ये ट्रांसफर मार लेते हैं। कहां पर ये मार लेते हैं? अपनी विष्णु मतलब कि मानिकेत को ट्रांसफर कर लेते हैं। और यहां से एक मतलब इंस्क्रिप्शन भी मिला है, नांदेड़ इंस्क्रिप्शन, और वहां से ये बताया गया है कि इन्होंने जो नॉर्थ का साइड है मतलब मगध, कलिंग, अंग, इस पर जो है कैप्चर कर लिया था, साथ ही साथ में राजा भोज को भी हराया था। लेकिन अगेन चोल के साथ में ये बेचारे हार जाते थे, और चोल के साथ में हारते थे तो इनका दो वार हुआ था। सोमेश्वर वन की चोल के साथ में दो वार हुई थी, एक हुई थी कोप्पन का वार और दूसरी कुंडलाग्राम का वार। बात करेंगे हम लोग आखिर में जो ये सब वॉर हुई है इसके बारे में, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान में रखिएगा इनके साथ में दो वॉर हुई है। एक का नाम है दिस इज कोप्पन का वॉर, ठीक है, और दूसरी जो वॉर हुई है वो कुंडला संगमम का वॉर, कुंडला संगमम। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि आखिर में क्या सीन है। सोमेश्वर वन के बाद फिर सोमेश्वर टू राजा बनते हैं, और एक्चुअल में होता क्या है, सोमेश्वर वन जब साहब हार जाते हैं चोल के साथ में तो ये चले जाते हैं सुसाइड कर लेते हैं, तुंगभद्रा नदी में कूद जाते हैं और इस तरीके से इनकी मौत हो जाती है। सोमेश्वर वन के बाद फिर अगले राजा बनते हैं सोमेश्वर टू। सोमेश्वर टू का भाई रहता है विक्रमादित्य सिक्स, ये जो बगल में आप लोग देख रहे हैं विक्रमादित्य सिक्स, ये जो विक्रमादित्य सिक्स रहता है ये चोल के साथ में रिलेशन बना लेता है, मतलब कि इनके साथ में राजेंद्र चोल की जो बेटी रहती है उसके साथ में शादी हो जाती है। तो इस तरीके से राजेंद्र चोल यानी कि चोल के साथ में ये अपना एक कह लीजिए ट्रीटी कर लेते हैं, और इस तरीके से विक्रमादित्य सिक्स सोमेश्वर टू पर दबाव बना लेते हैं कि भैया ऐसा है देखो हमारे साथ पावर, हमारे साथ कौन है तो तुम डरे रहो, और इस तरीके से साउथ के एरिया का कह लीजिए कि किंग बन जाता है, साउथ के एरिया का ये राजा बन जाता है। सोमेश्वर टू ये भी अपनी जान बचाए रहता है, कहता है ठीक है भाई जो तुम बोलो वही करेंगे, लेकिन ये भी अगेन इंटरनल पॉलिटिक्स करता रहता है, और जो कलचुरी के लोग रहते हैं उनके साथ में ये रिलेशन, उनके साथ में रिलेशन मेंटेन कर लेता है, उनके साथ में ये कह लीजिए कि ट्रीटी कर लेता है। और जब देखता है कि भाई मौका अच्छा है तो विक्रमादित्य पे, इस विक्रमादित्य पे ये सोमेश्वर अटैक कर देता है, लेकिन जैसे ही अटैक करता है राजेंद्र चोल को पता चल जाता है और ये भी आ जाता है। जो कलचुरी वाला राजा रहता है वो देखता है राजेंद्र चोल को, तुरंत वो कट लेता है, तुरंत वो वापस से भाग जाता है, और इस तरीके से सोमेश्वर टू हार जाता है, और हारने के बाद विक्रमादित्य राजा बन जाता है। विक्रमादित्य सिक्स के बाद फिर नेक्स्ट रूलर बनते हैं सोमेश्वर थ्री, लेकिन अगेन सोमेश्वर थ्री और आगे की जो डायनेस्टीज हैं ये उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहती हैं, वीक हो जाती हैं, और वीक होने के बाद सोमेश्वर फोर के टाइम तक आते आते ये पूरी डायनेस्टी जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो और इस तरीके से पूरे चालुक्य डायनेस्टी का एंड हो जाता है। तो ये थी पूरी डिस्कशन चालुक्य डायनेस्टी के बारे में। यहां पर जो हम लोगों ने कल्याणी के चालुक्य के बारे में जो डिस्कशन किया हुआ है एसएस देखिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनफैक्ट बुक्स में भी उतना ज्यादा आपको डिटेल मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी अगेन एक इंपॉर्टेंट होता है कि आप इस डायनेस्टी के बारे में, इस राजा के बारे में जाने, ताकि आपको एक फील मिल जाती है कि आखिर में इस डायनेस्टी में किसका डोमिनेंस देखने को मिलेगा। लाइक अगर आपको स्टोरी अगर नहीं पता चलती तो ऑब्वियसली आप चोल डायनेस्टी के जो स्ट्रांग है, चोल डायनेस्टी की जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में आपको जानकारी नहीं हो पाती, तो इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में वो आ जाते हैं वॉर को लेकर, सीधे केवल पूछ दिया जाएगा वॉर किसके किसके बीच में लड़ा गया है या क्या हुआ है, कैसे हुआ है, बस दैट्स ऑल। लेकिन अगेन आप डायनेस्टी के बारे में जानते रहेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस रहेगी, एक्स्ट्रा कह लीजिए कि जो होता है आंसर करने के लिए, क्योंकि समटाइम्स सीन ये होता है कि आप ऑप्शंस इलिमिनेट करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो इससे बड़ा फायदा हो जाता है अगर आप उसके बारे में बैकग्राउंड जानते रहते हैं। तो आगे अगर बात किया जाए तो देखिए तैलब टू, इसके बारे में तो हम लोगों ने देख ही लिया है सारे लोगों के बारे में। अब हम लोग जरा आ जाते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी से रिलेटेड चीजों को लेकर के, देख लेते हैं कि आखिर में क्या कुछ है। तो चालुक्य हैड ग्रेट मैरिटाइम पावर, क्योंकि अगेन इनके पास जो है वो सी पावर थी ही, तो दे ऑल्सो हैड अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी। दो द चालुक्य किंग वर हिंदूज, दे वर टॉलरेंट फॉर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, हालांकि इनका डिसइंटीग्रेशन जरूर हो गया था,
दे सॉ ग्रेट डेवलपमेंट इन कन्नड़ एंड तेलुगु लिटरेचर. संस्कृत अलॉन्ग विद द लोकल लैंग्वेज थ्राइव्ड. An inscription dated 7th century mentions Sanskrit as language of the elite, whereas Kannada जो है वो आम जनता की लैंग्वेज हुआ करती थी. आर्ट एंड कल्चर वाइज अगर बात कर लिया जाए कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखिए इन्होंने क्या है, एक न्यू स्टाइल ऑफ आर्ट स्टार्ट की थी, दैट इज द वीसरा स्टाइल. और इस तरीके से ये बेसिकली न्यू स्टाइल निकल के आए थे. दे बिल्ट केव टेम्पल्स डिपिक्टिंग बोथ रिलीजन एंड सेक्युलर थीम्स. द टेम्पल हैड ब्यूटिफुल मुरल पेंटिंग्स ऑल्सो. The temples under the Chalukyas are a great example of Vesara style of architecture. ये Vesara style क्या है, हम लोग इसके लिए एक separate video में देखेंगे आखिर में ये क्या है Vesara style. जैसे हम लोग बहुत सारे style के बारे में बात करेंगे, Dravidian style and all that, बहुत सारी styles हैं उनके बारे में देखेंगे. This is also called as the Deccan style or the Karnataka, Dravida or Chalukya style. It is a combination of Dravid and Nagar style. तो ये जो नागर स्टाइल है ये बेसिकली नॉर्थ इंडिया की थी, और जो द्रविड़ स्टाइल है ये साउथ इंडिया की थी, और इन दोनों का मिक्स करके वेसरा स्टाइल बना है. इसमें अगर एग्जांपल्स के बारे में बात कर लिया जाए, जैसे एहोल टेंपल हो गया, लाख टेंपल हो गया, जैसे जो सूर्य टेंपल हो गया, दुर्गा टेंपल हो गई, तो इस तरीके से जितने भी ये टेंपल्स हैं बेसिकली वही इस वेसरा स्टाइल में बनाई गई हैं. तो हम लोग जब वेसरा स्टाइल के बारे में सेपरेट डिस्कशन करेंगे तो वहां पर आपको पूरी जानकारी हो जाएगी क्या चीज है. इसके अलावा बादामी टेंपल हो गया, और एक दूसरी टाइप की दूसरे ग्रुप ऑफ टेंपल्स भी बनते हैं, जैसे वो पदक्कल टेंपल भी बोलते हैं. तो ये जो पदक्कल टेंपल है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के भी अंडर में इसे कंसिडर किया गया है. इसमें टोटल मार करके 10 टेंपल्स हैं, 4 इन द नागर स्टाइल एंड 6 इन द द्रविडियन स्टाइल. इसमें जैसे कुछ इंपॉर्टेंट अगर टेंपल्स के बारे में बात करें तो विरूपाक्ष टेंपल हो गया, संगमेश्वर टेंपल हो गया, ये जो है द्रविडियन टेंपल में. और अगर नागर शैली में बात करें, नागर स्टाइल में बात करें, तो पापननाथ टेंपल जो है ये इंपॉर्टेंट टेंपल्स आ जाते हैं. ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद करना. ये सारी पूरी स्लाइड ही आप लोगों को रट्टा मार करके रखनी है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिम्स एग्जामिनेशन. तो ये थी बेसिकली आज की पूरी डिस्कशन. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संगम लिटरेचर के बारे में बात करेंगे पहले, और फिर हम लोग उसी के साथ में चेर और पांड्य के बारे में भी देख लेंगे, और एक और नेक्स्ट वीडियो में लास्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे चोल के बारे में. हालांकि अभी एक और वीडियो आप देख सकते हैं, जैसे दिस इज समथिंग रिलेटेड विद द टेंपल स्टाइल, और बाकी भी कुछ इस तरीके की इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड वीडियो होगी, तो हम उसको वहां पर इस तरीके से ही पुट कर दिया जाएगा इन द प्लेलिस्ट. तो अगर आप नहीं देखें वीडियो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के अपनी पूरी वीडियोस को देख सकते हैं. इनफैक्ट हिस्ट्री के लिए दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट, सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी. ये थी पूरी डिस्कशन. अगर आपको कोई डाउट होता है तो इन चैनल्स का यूज करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं. टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी गई है, तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिए फटाफट, क्योंकि वहीं पर आपको सारे मटेरियल्स वगैरह मिलते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच.